नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं यूपी की बात। रोजाना की तरह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं उत्कर्ष चतुर्वेदी, जो हमें बताएंगे हर बड़ी खबर के पीछे की खबर। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये शो। उत्कर्ष, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। और मुझे लग रहा है कि अंतराल के बाद, वीकेंड के बाद हम आए हैं और कई सारे बड़े फैसले इस दौरान वीकेंड पर भी हो गए। और आज तो मुझे लगता है हमारे जिला उत्तर प्रदेश के भी हमारे दर्शकों ने देखा होगा कैसे लोकसभा में जो कुछ बवाल हुआ है उसका उत्तर प्रदेश में, और जो भाषण हुए उसका असर उत्तर प्रदेश में रहा है। और मुझे लगता है जरूर आप उसे भी अपने सवालों में शामिल करेंगे। तो चलिए आप भी अपना पिटारा खोलिए। पहला सवाल क्या है आपके पास आज के लिए? बिल्कुल उत्कर्ष, सीएम योगी आदित्यनाथ ने जमीन पर अवैध कब्जों की शिकायत पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। सीएम आवास पर लोगों की परेशानियां सुनते हुए सीएम ने ये तमाम बातें कही। सीएम योगी जमीन पर अवैध कब्जों के मामले में काफी सख्त दिख रहे हैं। उत्कर्ष, आपसे मेरा सवाल ये कि जमीन पर कब्जों को लेकर सीएम ने और क्या कुछ कहा है? एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सरकारी आवास जो कि 5 कलेजा मार्ग पर है, वहां जनता से मिलते हैं, लोगों की परेशानियों दिक्कतों को सुनते हैं। सामान्य तौर पर से जनता दर्शन कार्यक्रम का नाम दिया जाता है। जनता दर्शन के दौरान ऐसा हुआ था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जमीन से जुड़े विवाद, मतलब यूं तो कई सारे लोग आते हैं, कोई स्वास्थ्य मदद चाहता है, किसी के अपने लंबित मुकदमे मामले होते हैं, कोई किसी योजना में आगे चाहता है। लेकिन जब रविवार को ये पूरा जनता दर्शन हुआ वरुण, तो शाहजहांपुर जिले से कई सारे ऐसे प्रकरण आए थे जो कि जमीन विवाद से जुड़े हुए थे। इसमें दो तरीके की दिक्कतें थी। एक कि जो पैमाइश यानी कि जो नपाई होनी चाहिए जिसके बाद अदालत में लोगों को मौका मिलता है कि भाई वो अपना पक्ष रख सके, उनके पास उनके हिस्से की अगर पैमाइश आ जाए, उनके पास अगर उनके हिस्से के हिसाब से ये सरकारी कागज पर साबित हो जाए कि जमीन उनकी है, तो फिर लोग अपने जो मुकदमे होते हैं, जो मामले होते हैं, उनको आसानी से लड़ सकते हैं। दूसरी दिक्कत जो रहती है वो रहती है, जो मैं देख पा रहा हूँ, वो ये था कि पैमाइश के अलावा कब्जों की बहुत शिकायत थी कि जमीन पर मान लीजिए मालिकाना हक किसी और का है लेकिन अवैध कब्जा किसी और ने किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसी बात से नाराज हुए कि जमीन पर कब्जे और पैमाइशी ऐसे मामले हैं जिनके जिला स्तर पर सुनवाई और जिला स्तर पर ही ऐसे प्रकरणों को का निपटारा हो जाना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर से जुड़े मामले हैं या फिर प्रशासन से जुड़े मामले हैं, अगर नपाई की बात है तो जिलाधिकारी, लेखपाल, कानून को ये उसमें सम्मिलित होंगे। अगर कब्जे की बात है और अगर न्यायालय ने फैसला दे दिया है तो पुलिस वहां पर एक्शन करेगी। और अवैध कब्जे हो कैसे रहे हैं, पिछले दिनों बरेली में जो कुछ देखा गया मुझे लगता है ये उसका असर है वरुण। बरेली में जिस तरीके से कब्जे को लेकर तमाम चीजें हुई और अमर उजाला उत्तर प्रदेश के दर्शकों ने भी देखा लगातार वो स्टोरियां जो हमने भी की हैं कि उसके ढेर सारे एंगल थे, तो कैसे एक भूमि पर कब्जा का जो मामला होता है, जो जमीन पर कब्जे का मामला होता है, वो प्रदेश के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बखूबी इसे समझते हैं और इसलिए जब उन्होंने देखा कि कई सारे लोग, वो भी एक ही जिले से, शाहजहांपुर से, जमीन पर कब्जे या पैमाइश ना होने की शिकायत लेकर आए हैं, तो उन्होंने इसे सामान्य तौर पर या सामान्य फरियादियों के तौर पर नहीं लिया बल्कि वो इस पर बखूबी नाराज हुए। उन्होंने साफ तौर पर इस बात को निर्देशित किया अपने अधिकारियों को, जमीन पर अवैध कब्जे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। और इस घटना को उत्तर प्रदेश के सियासी हलकों में, ब्यूरोक्रेसी में और राजनीतिक गलियारों में बरेली की घटना से जोड़कर देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों में या छोटे शहर में, किसी भी शहर में वैसी तस्वीरें फिर से दिखाई दे। और उसके लिए उन्होंने ये भी कहा कि जैसे सुनवाई वो कर रहे हैं, जनता दर्शन वो कर रहे हैं, जिला स्तर पर अधिकारियों को जन सुनवाई करनी चाहिए। जन सुनवाई करें, लोग दिक्कतें लेकर जिलों में ही आएंगे, सबको लखनऊ नहीं आना पड़ेगा। इसके बाद इसी तरीके की दिक्कतें जो दो और जिले जो हमको बताए जा रहे हैं, आगरा और कानपुर से भी कई सारे फरियादी आए थे जिनकी भी दिक्कतें जमीन से जुड़े विवादों की ही थी, कब्जों की थी, पैमाइश को लेकर थी, नपाई को लेकर थी। और वरुण, जैसा मैंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक व्यक्ति से जिससे वो मिले और खासतौर पर कब्जों की जो शिकायत कर रहे थे उन तमाम व्यक्तियों को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात का आश्वासन दिया है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कानून अपना काम करेगा, उत्तर प्रदेश में जो अधिकारी है, सक्षम अधिकारी है, वो भी काम करेंगे। लेकिन अधिकारियों पर कहीं ना कहीं जो निर्देश है उसे नाराजगी के लहजे में ही देखा जाना चाहिए। और मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बरेली की जो तस्वीर सामने आई थी, कैसे एक जमीन पर कब्जे का मामला लॉ एंड ऑर्डर का मामला बन सकता है, उसे सरेआम चुनौती दी जा सकती है, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि ऐसी छवि हो और जमीन पर कब्जे के मामले बड़े ना बन जाए।
प्रशासन के लिए, राज्य सरकार के लिए नासूर ना हो जाएं, इसलिए मुझे लगता है कि निर्देश जनसुनवाई में ही दे दिया गया कि अब जिलों पर अधिकारी सुने और इस तरीके के मामले लखनऊ ना आए। मुझे लगता है कि अगर खासतौर पर जिन 3 जिलों से ऐसी शिकायत आई, अगर भविष्य में ऐसी शिकायत आई तो हम अधिकारियों पर किसी तरीके की कार्रवाई होते भी देख सकते हैं। वरुण, अगली खबर का, सावन के महीने में कई महत्वपूर्ण त्यौहार होते हैं, रक्षाबंधन और महाशिवरात्रि इसी महीने होते हैं, इस दौरान कावड़ यात्रा भी होगी और मुहर्रम भी। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए सीएम योगी ने एक मीटिंग की और इस मीटिंग में सीएम ने अधिकारियों को कई तरह के निर्देश दिए। उत्कर्ष, इस मीटिंग में कौन से निर्देश दिए सीएम ने और टकरावों को रोकने के लिए कौन सा एक्शन प्लान, क्या एक्शन प्लान तैयार किया गया है? एक्शन प्लान और निर्देश के साथ साथ वरुण एक बात और बता दूं, तीनों त्योहारों का इस मीटिंग में जिक्र हुआ, रक्षाबंधन का, शिवरात्रि का और उसके साथ साथ नागपंचमी का। ये तीनों ऐसे त्योहार हैं जिस दिन हम देखते हैं कि पर्व होता है, लोग घरों से निकलते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ ज्यादा होती है। सबसे पहले तो एक्शन वाली जो आपने बात की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ जिलों को स्पष्ट तौर पर निर्देशित किया है या जोन को निर्देशित किया है कि कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। और ये जो पूरी कोऑर्डिनेशन वाली बात है, इसमें एक चीज जो दिखाई देती है, समझ आती है, वो ये लगता है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए निर्देश है, उन्होंने गाजियाबाद, मेरठ, अयोध्या, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी, बाराबंकी, बस्ती और उत्तराखंड से लगे हुए जिलों के अधिकारियों को, जो सुरक्षा व्यवस्था के अधिकारी हैं, चाहे वो SSPs हैं, चाहे वो DM हैं, उनको कहा कि आप सभी लोग इन जिलों में जो आप लोग कार्रवाई करते हैं, आप लोग आपस में समन्वय बनाकर रखिए। और उसके पीछे की मंशा को इस तौर पर देखा जा रहा है कि जब कांवड़िए निकलते हैं तो एक जिले से दूसरे जिले वो पहुंचते हैं, बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उस दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना बने, इस बात का ध्यान होना चाहिए। जहां तक दिशा निर्देशों की बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात साफ कही कि कांवड़ यात्रा में भजन बजते हैं, डीजे में बजते हैं, डीजे हो, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि जो तय सीमा है आवाज की, ध्वनि की, उससे ज्यादा आवाज में डीजे नहीं बजने चाहिए, निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि डीजे का या साउंड बॉक्स सिस्टम का पिरामिड बना लिया जाता है, उन्होंने कहा कि ये भी अनुमति नहीं दी जा सकती। साथ में अधिकारियों को ये भी कहा कि कांवड़ यात्रा जिन मार्गों से होकर निकलती है वहां खुले में मांस की बिक्री ना हो। हमने देखा है कि जैसा आप कह रहे थे वरुण, अपने सवाल में आप पूछ भी रहे थे कि टकराव को रोकने के लिए, हमने देखा है कि इस तरीके की चीजों के कारण कई बार धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, भड़कती हैं, और उत्तर प्रदेश में हमने कुछ जगहों पर इस ऐसे मामलों में जहां कांवड़ यात्रा निकल रही है और खुले मांस बिक रहा हो, टकराव देखे हैं। इसलिए उन्होंने पहले से कहा कि ये नहीं होना चाहिए, स्ट्रीट लाइटें होनी चाहिए, क्योंकि कांवड़िए 24 घंटे चलते हैं, वो यात्रा करते हैं, स्ट्रीट लाइटें बेहतर हो, पूरे मार्ग में लाइटें बेहतर हो, साफ सफाई हो, पीने के पानी का ध्यान रखा जाए, ये भी उन्होंने कहा। साथ में साथ उन्होंने ये भी कहा कि कई बार होता यह है कि कांवड़ियों के नाम पर या मुहर्रम के जुलूस के नाम पर कई सारे शरारती तत्व होते हैं जो कि इन पर्व त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में शामिल हो जाते हैं, और उसके बाद जो खामियाजा होता है वो प्रशासन को, या उसके बाद एक ऐसी तस्वीर पैदा हो जाती है जो कई बार धार्मिक पहचान पर भी लोगों को नुकसान करती है या फिर उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करती है, एक तरीके से धर्म की दूसरी छवि रखते हैं। और उन्होंने कहा कि जो पहले घटनाएं हुई हैं उनसे सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा जैसे डीजे के लिए कहा, वैसे ताजिए के लिए कहा गया कि उसकी ऊंचाई सीमा के अनुरूप हो और परंपरा के अनुरूप हो, कोई भी घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए दोनों ही मामलों में जिससे कोई एक धर्म से किसी दूसरे धर्म की भावनाएं आहत हो। और जहां भी अगर मान लीजिए कोई शुरुआती टकराहट, कुछ ही शुरुआती ऐसी चीज दिखाई दे, कोई भी ऐसी घटना दिखे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि कोई भी ऐसी घटना दिखे जिससे दूसरे धर्मों की भावनाएं आहत होती दिखाई दे रही हो, तो उसमें जो भी तत्व शामिल हैं उनके खिलाफ सख्ती से निपटना है। जहां विवाद ना हो ऐसे स्थानों का चयन किया जाए और वहां पर ताजिए रखे जाएं, शरारती तत्वों पर नजर रखने के साथ साथ जो कांवड़ शिविर लगते हैं उनका भी सत्यापन करने को कहा गया है, ताकि पता हो कि वो शिविर कौन लगा रहा है, उन शिविरों में कैसी गतिविधियां चल रही है। इसके अलावा एक चीज और जो लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और मुझे लगता है कि शायद पिछले कुछ सालों में जो प्रयोग हो रहे हैं उसमें भी, उन सभी मामलों में एक अनूठा और अभिनव प्रयोग होगा, वो ये वरुण कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप ड्रोन का इस्तेमाल करिए, चाहे वो मुहर्रम के जुलूस हो या फिर कांवड़ के जो पूरी की पूरे कांवड़िए निकलते हैं उनकी परिक्रमा हो, उन पर निगरानी रखने के लिए जमीन के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल करिए, क्योंकि वो कोई सीमित जगह पर नहीं बल्कि वो पूरा का पूरा मूवमेंट होता है। तो अगर आगे किसी तरीके की दिक्कत है, हमने देखा है कि कुछ एक मामलों में, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मामले हो जहां पर घरों से पथराव जैसी तस्वीरें भी
इतिहास में सामने आ चुकी हैं। तो जब ड्रोन से मॉनिटरिंग होगी तो वो कई बार जो हम देखते हैं कि छतों पर है, मंशा के अनुरूप है, कोई इस तरीके के आगे रास्ते को रोक कर रखा है तो उसका पता चल सके। इसलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप तकनीक का भी प्रयोग करिए, ड्रोन का भी इस्तेमाल करिए। बिल्कुल, चलिए अब उस सवाल की तरफ चलते हैं जिसका जिक्र उत्कर्ष आपने इस शो की शुरुआत में किया था। राहुल गांधी के संसद में दिए बयान पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बयान में कहा था कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा, नफरत नफरत और असत्य असत्य करते रहते हैं। अब इसी बयान पर सीएम योगी ने अपना पक्ष रखा है। उत्कर्ष, सीएम योगी ने क्या कुछ कहा? देखिए, एक लाइन आपने बता दी, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपने इस निंदनीय बयान से भारत माता की आत्मा को लहूलुहान किया है। इसके बाद ही इसी क्रम में, इस लाइन के ठीक बाद वो आगे उन्होंने कहा कि इसी कारण से राहुल गांधी ने जो वक्तव्य दिया है वो अब दुनिया भर के करोड़ों हिंदुओं से माफी मांग। एक तंज भी उन्होंने राजनीतिक तंज कसा है। उन्होंने कहा कि हम लोग तो ये मानते थे कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी शायद परिपक्व होंगे, लेकिन खेद होता है उनका बयान अभी भी बचकाने स्तर का है, उससे उबर नहीं पाया। और उन्होंने कहा कि इस तरीके का बयान एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही दे सकता है। इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने हिंदू समाज को भी एड्रेस किया। उन्होंने कहा कि हिंदू भारत का मूल समाज है, ये भारत की आत्मा है। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। हिंदू कोई जाति सूचक या संप्रदाय सूचक शब्द नहीं है, मंत और किसी भी पंथ से अलग हिंदू भारत की मूल आत्मा है। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से हिंदुओं पर टिप्पणी की है वो सत्य से परे है। और उसके बाद वही बात वरुण जो आप कह रहे थे कि उनकी जो टिप्पणी है ये किसी भी हिंदू को, किसी भी भारतीय को और भारत की मूल आत्मा को लहूलुहान करने वाली है। वरुण, अगर आप अनुमति दें तो मैं एक और विषय इस बीच में रखना चाहता हूँ। वो ये था कि राहुल गांधी ने आज अपने संसद के स्टेटमेंट में, अपने बयान में अयोध्या का जिक्र किया था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मसले पर भी एक बयान दिया है। और ये अभी अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास एक जानकारी आई है, अगर आप अनुमति दें तो मैं उस पर बात करूं। वो ये कि अयोध्या के मामले में बकायदा उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरुण एक जानकारी साझा की गई है जो मेरे पास अभी पहुंची है। वो ये कि अयोध्या में कितना काम हुआ और जो सदन में कहा गया है वो कितना सही गलत है। अगर हमारे पास समय हो तो मैं इनमें से कुछ आंकड़ों को पढ़ूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप आंकड़े वो बताइए दर्शकों को, दर्शक जानना चाहते हैं। जी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मसले पर कहा कि राहुल गांधी गलत बयानी कर रहे हैं, अयोध्या को बदनाम करने की साजिश है और अयोध्या वाला बयान मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक लड़ाई का कारण बन रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उनके सहयोगियों ने अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित करके रखा था। उसको जो तमाम अतिक्रमण की और मुआवजे की बात हमने देखी ना, वो जो तस्वीरें चली थी उस पर यूपी सरकार ने पूरा का पूरा एक आंकड़ा जारी किया। और मैं पहले आंकड़ा पढ़ देता हूँ। उन्होंने कहा कि अयोध्या में 21,548 व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया। जहां एयरपोर्ट बना वहां पर 952 करोड़ रुपए का मुआवजा मिला। जहां राम जन्मभूमि बनी उस जगह के विस्थापितों को 14.12 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया। भक्ति पथ की उन्होंने बात कही, उन्होंने कहा कि यहाँ 23.66 करोड़ के मुआवजे बटे। पंचकोसी परिक्रमा जिस जगह पर बनी है, पूरा मार्ग जो बना है वहां 29 करोड़। 14 कोसी परिक्रमा जहां बनी है वहां 119.20 करोड़। इसके अलावा अयोध्या का बाईपास यानी कि रिंग रोड, उसमें 295 करोड़। 14 कोसी परिक्रमा मैंने आपको बताया। जो पूरा का पूरा रेलवे का दोहरीकरण हुआ है वहां पर 35 लाख। एनएच के निर्माण के लिए 163 करोड़ रुपए का मुआवजा। एक और एनएच के पैकेज 3 में 21 करोड़ रुपए का मुआवजा। और उन्होंने ये भी, जो सरकार की ओर से एक बयान आया है, ना केवल लोगों को मुआवजा दिया गया बल्कि जो दुकानें वहां पर बची, जो दुकानें टूट फूट के बाद मुआवजा मिलने के बाद जो बाकी हिस्सा बचा उसका सौंदर्यीकरण भी सरकार ने ही कराया है। वहां पर लोगों का व्यापार बढ़ा है क्योंकि अब वो उन मुख्य पथों पर, वो भक्ति पथ पर, राम पथ पर, राम जन्मभूमि पथ पर, कोसी परिक्रमा मार्ग पे ये तमाम दुकानें वहां पहुंच गई हैं। तो ऐसे में लोगों के पास वहां पर मौके ज्यादा हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन तमाम आंकड़ों को सरकार ने जारी किया है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या के मसले पर क्या कहा उसको अगर मैं डिटेल में बताऊं वरुण, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले भी लोगों को गुमराह किया था और अब वो वापस लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या को उसकी पहचान से वंचित राहुल गांधी और उनके सहयोगियों ने किया था। उन्होंने अयोध्या को वनवास दिया था, सरयू को रक्तरंजित किया था और ये निशाना समाजवादी पार्टी के ओर उन्होंने साधा। उन्होंने कहा कि आज हम अयोध्या के वैभव को फिर से स्थापित कर रहे हैं, तो इसीलिए कांग्रेस को दिक्कत हो रही है और कांग्रेस इसे अच्छा
नहीं मांग सकती। और इसलिए उन्होंने कहा, उन्होंने पूरा बयान जारी किया कि जिसके पास जैसी जमीनें थी, जैसी जमीन सरकार ने ली, मुआवजे बटे, मुआवजे का वर्गीकरण और पूरे आंकड़ों के साथ मैंने आपको बता दिया। उन्होंने कहा कि जहां पर स्पेस नहीं था वहां पर हमने मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, हमने हर एक आदमी का घर या दुकान नहीं तोड़ी, हमने भी कोशिश की अयोध्या में कि जहां पर लोगों को जगह दी जा सकती है वहां जगह दी जाए, जहां जरूरी था वहीं पर इस तरीके का काम हुआ है कि जहां पथ निर्माण करना था और उचित मुआवजा भी बचा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये भारत और अयोध्या की छवि को खराब करने की उस मानसिकता का हिस्सा है जो एक्सीडेंटल हिंदू आजादी के बाद से लगातार करते नजर आ रहे हैं। तो एक तो हिंदू वाला बयान था, लेकिन मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के क्रम में, और जो मैंने शुरू में भी कहा था कि लोकसभा में जो कुछ हुआ है अब उसमें उत्तर प्रदेश की सियासत, और मुझे लगता है कि जैसा सिलसिलेवार आंकड़ों के साथ बयान उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या को लेकर, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या को लेकर बयान भी जारी कर दिया अपना, मुझे लगता है ये सियासत अयोध्या वाली उत्तर प्रदेश में एक दो दिनों में और बढ़ती दिखाई देगी। वरुण बिल्कुल, चलिए, यानी कि अब सियासत इस पर और गर्म हो सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में नए सिरे से बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। संगठन में सक्रिय युवाओं के साथ ही पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों की भागीदारी बढ़ाने की तैयारी है। कई जिलों के जिलाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी बदले जाएंगे। यूपी में कांग्रेस का जोश हाई दिखाई दे रहा है। उत्कर्ष, मेरा आपसे सवाल ये कि कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन से बदलाव आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं? जो सबसे पहला बदलाव होगा, जिसकी जानकारी हमारे पास है वरुण, वो है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे कई सारे। हमने पिछले दिनों देखा था कि अंबेडकर नगर के जिलाध्यक्ष को पार्टी विरोधी गतिविधि में सक्रिय रहने के कारण और उनके पार्टी में निष्क्रिय रहने के कारण, असक्रिय रहने के कारण उनको पार्टी से, उनको जिलाध्यक्ष पद से निष्कासित किया गया था। अब ये पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में, खासतौर पर जहां चुनावों के दौरान भी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन था, जहां साथ मिलकर उस तरीके से ग्राउंड पर अगर मान लीजिए काम करने में थोड़ा भी नेगेटिव फीडबैक मिला हो, जहां पर जिलाध्यक्ष बहुत सक्रिय न दिखाई दिए हो, जहां पर इकाइयों को न बनाया गया हो, ऐसे जगहों पर, यानी कि कांग्रेस की मान रही है कि लोकसभा चुनाव में जैसी जीत मिली है इसे लगातार हमको इस क्रम को और जो जोश है पार्टी का उसे हाई रखना है। और पिछले दिनों वरुण आपने और हमने भी चर्चा की थी, जैसे कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था नीट के मामले में, कई लोगों का कहना था जो कांग्रेस को देखते हैं, कवर करते हैं या उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, कि पिछले कुछ सालों महीनों में कांग्रेस की ओर से ऐसा आक्रामक प्रदर्शन देखने को नहीं मिला था। तो कांग्रेस अब ऐसे जिलाध्यक्षों की तलाश कर रही है, और वरुण मुझे लगता है कि जब जिलाध्यक्षों की एक लिस्ट आएगी, जब फेरबदल होगा, तो आपको इसमें एक चीज जो जरूर दिखाई देगी वो होगी कि कई सारे जिलाध्यक्ष कम उम्र के होंगे, युवा होंगे। कांग्रेस अब अगली पीढ़ी की लीडरशिप को तैयार करना चाहती है, और मुझे बखूबी याद आता है हमारी इसी चर्चा में, हमारे इसी शो में एक बार आपने मुझसे पूछा था कि कांग्रेस के पास सेकंड जनरेशन लीडर कहाँ है, और मैंने आपसे कहा था कि वो पूरा प्लान बन रहा है कि सेकंड जनरेशन लीडर, अभी तो मैंने आपको पश्चिम से एक नाम बताया था, एक बार बंकी सदन पुनिया कहा था, एक पूर्वांचल से मैंने आपको नाम बता दिया था, लेकिन मैंने आपको ये भी कहा था कि देखिएगा अब संगठन के जरिए सेकंड जनरेशन लीडरों को तैयार किया जाएगा, और उसमें सबसे पहले इकाई हो जाते हैं, जो मैंने आपसे कहा था कि स्थानीय निकाय के चुनाव पार्टी लड़ेगी, उसका एक प्लान बन रहा है। साथ में अब जो प्लान सामने आया है कि जिलाध्यक्षों को बदला जाएगा, जिलाध्यक्ष युवा बनाए जाएंगे, और फिर ये देखा जाएगा कि वो कितने सक्रिय हैं। एक जिलाध्यक्ष के पास ढेर सारी कमेटियां होती हैं, पार्टी का महिला संगठन होता है, युवा संगठन होता है, शैक्षणिक संगठन होता है, लीगल संगठन होता है, वो जो जिलाध्यक्ष बनेंगे वो कितने सारे संगठनों में काम कर पा रहे हैं ये देखा जाएगा। ये भी देखा जाएगा कि क्या ये जिलाध्यक्ष पार्टी को मजबूत कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। ये भी देखा जाएगा कि इन जिलाध्यक्षों से पार्टी को किस तरीके का फायदा होता है या नुकसान होता है। और इन तमाम चीजों के साथ, माफ कीजिएगा, इन तमाम चीजों के साथ साथ एक चीज और देखी जाएगी कि ये जिलाध्यक्ष जो है वो पार्टी के आंदोलनों को कितना जमीन पर ले जा पाते हैं। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसा नीट वाली बात आपने भी मुझसे पूछी थी और हमने कही थी, अब कांग्रेस का एक प्लान ये भी है, और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी रायबरेली तक नहीं सीमित रहेंगे, वो प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएंगे। युवाओं से जुड़े मुद्दे, जिसमें मैंने अग्निवीर से लेकर कई चीजें कही थी, आप ये सत्र खत्म होने दीजिए और आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में अगर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू मिलता है, कोई भी गड़बड़ी दिखाई देती है, खासतौर पर युवाओं से जुड़े अगर मुद्दे होंगे, तो उस पर कांग्रेस आपको बढ़ चढ़कर प्रदर्शन करती दिखाई देगी। और जमीन पर उस प्रदर्शन को करने का जो पूरा दारोमदार होगा, जो पूरा जिम्मा होगा, वो संगठन की अगली पीढ़ी पर होगा, और उसी को तैयार करने के लिए जो पहले फेरबदल है वो कांग्रेस के, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जिलाध्यक्षों की सूची में होंगे। तो कई सारे जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट मंगाई जा रही है, उनकी एक्टिविटी को मैप किया जा रहा है, और जहां भी निष्क्रियता या थोड़ी भी कमजोरी पाई जाएगी वरुण, वहां पर जिलाध्यक्ष बदलेंगे,
और नए जिलाध्यक्षों को भी टेस्ट और मैप किया जाएगा, उनमें से ही लीडरशिप तैयार होनी है। बिल्कुल, चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक महत्वपूर्ण बैठक में शासन स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बाढ़ प्रबंधन को लेकर एक मीटिंग की। उन्होंने कहा कि पिछले 7 सालों में बाढ़ की परेशानी को खत्म करने के लिए कई तरह के काम किए गए हैं। उत्कर्ष, मेरा बहुत सीधा सवाल, बाढ़ को लेकर यूपी सरकार ने क्या तैयारियां की हैं? क्योंकि मानसून का महीना है, तमाम नदियां उफान पर हैं और अक्सर ऐसी खबरें आती हैं कि बाढ़ की वजह से, जल भराव की वजह से, बहुत ज्यादा बारिश की वजह से बहुत नुकसान हुआ है। तो अब इस बार सरकार ऐसा क्या कर रही है जो पिछली बार नहीं किया? देखिये, पिछली बार से एक चीज इस बार जो अलग है, पूरी रिव्यू मीटिंग में जो बात सामने आई वो ये कि भले ही हमको बाढ़ की तस्वीरें दिखाई दे रही है, पहाड़ों की तस्वीरें दिखाई दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अब तक वैसी तस्वीर आपको नहीं देखने को मिली। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात पर खुशी भी जताई कि चाहे वो नदियों की वापस वो जो एक तरीके से उसमें कचरे आ जाते हैं, गाद आ जाती है, उसको हटाने का काम हो, या फिर नदियां अपनी जो धाराएं बदलती हैं उसको लेकर जो एक तरीके से कच्चा डैम बनाया जाता है उसको बनाने का काम, उन्होंने कहा कई चीजें समय से पहले पूरी कर ली गई। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश के 75 में से 24 जिले वरुण बाढ़ के मामले में अति संवेदनशील श्रेणी में आते हैं। अगर मैं जिलों की बात करूं तो महाराजगंज, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, गोंडा, बलिया, देवरिया, सीतापुर, बलरामपुर, अयोध्या, मऊ, और ये पूरी लिस्ट है, मतलब इसको मैं पढ़ सकता हूँ, और ये अति संवेदनशील और संवेदनशील श्रेणी में उत्तर प्रदेश के आते हैं। जो निर्देश दिए गए हैं वो ये दिए गए हैं कि इन जिलों में शासन के पास पर्याप्त स्टॉक होना चाहिए, खास तौर पर बाढ़ से निपटने के साधनों का और खाद्यान्न का, क्योंकि अगर कोई ऐसी, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, कि कोई परिस्थिति बनती है, लोगों को दिक्कत होती है, तो वहां पर प्रशासन लोगों की मदद कर पाए। बाढ़ से बचने के उस दौरान आपको अगर टेंट लगाने पड़े, खाद्य रसद बांटनी पड़े, तो वो तमाम जो चीजें हैं वो मौजूद हो, ताकि उनके ट्रांसपोर्टेशन में, उनको मुहैया कराने में जो वक्त जाता है वो वक्त ना जाए। प्रकाश की व्यवस्था उन्होंने बोली कि बोले ऊंचे इलाके चिन्हित करिए इन संवेदनशील जिलों में, और जो ऊंचे इलाके हो वहां पर पर्याप्त लाइटिंग हो, कि अगर वहां पर कैंप बनाने पड़े, अगर वहां पर लोगों को एकत्र करना पड़ा, तो वहां पर प्रयास होना चाहिए कि प्रकाश व्यवस्था पूरी हो। उन्होंने कहा कि लगातार जो जल शक्ति मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो इन अति संवेदनशील जिलों का दौरा और बाढ़ से जुड़ी तमाम योजनाओं और परियोजनाओं को का रिव्यू करना, निरीक्षण करना शुरू कर दें। मौसम विभाग की जो इनपुट्स आए थे इस मीटिंग में वो भी डिस्कस हुए हैं, और उसमें जो अलर्ट है, अगर मैं अपने दर्शकों के लिए बताऊं, तो जहां पर सतर्कता रखने को बोला गया, जो उस मीटिंग में भी इनपुट आया कि नेपाल और उत्तराखंड की सीमा से लगे जो जनपद है, जो जिले हैं, वहां पर अलर्ट रखना है। और उत्तराखंड में हम जो तस्वीरें देख रहे हैं लगातार वो दिख रही है, और नेपाल में भी अक्सर ये होता है कि जब वहां से पानी छोड़ा जाता है तो एकाएक उत्तर प्रदेश में जो नेपाल से लगे जिले हैं वहां पर पानी बढ़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बात और कहा कि लोगों को जानकारी पूरी होनी चाहिए कि बाढ़ पे जलस्तर को लेकर क्या हो रहा है, और जो मौसम विभाग से जानकारी मिले, अगर जो स्थानीय उनके दूरसंचार साधन है, जो उनके दूरदर्शन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो आकाशवाणी हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर बाढ़ से जुड़े बुलेटिन या बाढ़ से जुड़े एक जानकारियां साझा करना शुरू करिए, ताकि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए। केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाने को कहा, और अभी से बाढ़ कंट्रोल रूम जो होते हैं उनको कह दिया गया है कि वो 24 घंटा एक्टिव रहें, ताकि इस दौरान, मानसून के दौरान, बारिश के दौरान, कहीं से भी कोई भी इनपुट आता है तो उसको वेरीफाई समय से किया जाए, रेगुलर मॉनिटरिंग हो, जो मैंने आपको कहा। और इसके अलावा जो स्टेट की यूनिट्स होती है, जैसे कि एसडीआरएफ यूनिट है, एनडीआरएफ यूनिट है, पीएसी की जो फ्लड यूनिट है, और जो आपदा प्रबंधन की यूनिट है, इन सभी को अलर्ट रहने को कह दिया गया है। और वरुण, एक बात की ध्यान देनी है कि अभी भी उत्तर प्रदेश में हमको वो तस्वीर नहीं दिखी है, लेकिन उसके बावजूद अभी से इन यूनिट को अलर्ट रहने को कहा गया, जो ये बताता है कि उत्तर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो ये नहीं चाहते कि तस्वीर आने के बाद ये यूनिटें एक्शन करते दिखाई दें, बेहतर कोऑर्डिनेशन होगा, तो अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो शायद प्रशासन लोगों की मदद बेहतर तरीके से कर पाएगा। और जैसा मैंने आपसे कहा कि एक अलर्ट और दिया, और ये बताते हैं कि आप कितने वाइडली बाढ़ को लेकर सोच रहे हैं, और ये पूरा सीजन आना है, अभी बारिश शुरू हुई है, अभी पूरा मानसून करीब 3 महीने 4 महीने हम देखेंगे कि इस तरह चीजें रहती हैं। दो और महत्वपूर्ण बातें जिसका जिक्र हुआ है इस मीटिंग में वरुण, जो बताता है कि आप कितने लार्जली या कितने बड़े स्तर पर इस मीटिंग में चीजें सोच रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद या बारिश के बाद बीमारियां फैलती हैं, तो जो जिले संवेदनशील या संवेदनशील नहीं भी हैं, उनके जितने भी सीएचसी पीएचसी होते हैं, यानी कि जो चिकित्सीय संस्थान होते हैं, वो भी पूरी तैयारी के साथ रहे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि किसानों की सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है
बाढ़ जैसी परिस्थिति में अगर हम किसान ऊपर चले जाए उनके लिए हम कैंप बना ले, वो पशुओं का होता है, पशु हानि ना हो, पशुओं में बीमारियां ना हो, ऐसे में पशुओं के सुरक्षा के प्रबंध होने चाहिए। उनके लिए भी ऐसे स्थान चिन्हित कर लीजिए अति संवेदनशील जिलों में या संवेदनशील जिलों में जहां पर उनको रखा जा सके, क्योंकि एक किसान जब बाढ़ से निपटता है और वापस अपने खेतों पर जाता है तो पशुओं के जरिए अपनी आजीविका चलाता है, उनके टीकाकरण या जैसा मैंने कहा कि उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका भी जिक्र किया गया। और आखिरी में जो एक बात कही गई उस पूरी बैठक के वरुण, वो ये थी कि अगर बाढ़ से जुड़ी कोई भी तस्वीर सामने आएगी तो उसके बाद जो रिव्यू होता है उसमें देर ना लगे, जो क्षतिपूर्ति किसानों को मिलनी है, और किसानों की ओर से उन्होंने इस बात को रखा कि जो किसानों को क्षतिपूर्ति मिलनी होती है उसमें भी कोई देरी ना आए, वो जो रिव्यू होना होता है वो तुरंत हो जाए और किसानों को मुआवजे जल्द से जल्द मिले, ऐसी तस्वीर ना बने कि किसान अपने मुआवजे के लिए परेशान हो रहा हो और बाद में दिक्कतें या फिर उनके पास शिकायत पहुंचे। बिल्कुल उत्कर्ष, चलते चलते बहुत छोटे छोटे दो और मुद्दे हैं, दो और सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा। एक ये कि अखिलेश यादव को शुभकामनाएं दी, एक ऐसी खबर हमने सुनी है योगी जी ने, और दूसरा अनुप्रिया पटेल एक मीटिंग करेंगी। ये दो और ऐसी चीजें हैं मुझे लगता है कि इनको जानना भी हमारे दर्शकों के लिए जरूरी है। पढ़ देता हूँ उस ट्वीट को। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि आपको सुदीर्घ जीवन और उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। आज उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और हम अक्सर देखते हैं कि नेताओं के बीच में कटु बयानबाजी या कई बार कटुताएं या फिर अंतर दिखाई देता है, लेकिन आज जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो शुभकामना संदेश प्रेषित किया गया इसको बड़े ही अलग नजरिए से देखा जा रहा है। अब तक जो मेरे पास जानकारी है, जब आप ये सवाल पूछ रहे हो उससे थोड़ी देर पहले तक इसका सोशल मीडिया पर तो कोई जवाब समाजवादी पार्टी के मुखिया की ओर से नहीं दिया गया था, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब दे दिया जाएगा। अखिलेश यादव को जानने वाले तमाम लोग ये बात बताते हैं कि हाँ, वो बेहद व्यवहार कुशल व्यक्ति हैं, आज जन्मदिन मना रहे हैं। और जो दूसरी बात आपने पूछी, अनुप्रिया पटेल कल लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम कर रही है, एक बड़ी बैठक है इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में, एक हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, और इसमें मुझे लगता है कि अपना दल एस जो कि उनकी पार्टी है उससे जुड़े राज्य स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के भी कई पदाधिकारी आएंगे, राज्य स्तर के तो कई पदाधिकारी आएंगे, राज्य स्तर के पदाधिकारी इसलिए भी आएंगे, पिछले दिनों हमने एक खबर भी की थी, वो शो भी हमने शो पे भी बात की थी कि अनुप्रिया पटेल ने अपने राज्य की सारी इकाइयों को भंग कर दिया था, तो हो सकता है इकाइयों के भविष्य को लेकर भी अनुप्रिया पटेल वहां कोई घोषणा करें, इकाइयों के पुनर्गठन को लेकर कोई घोषणा करें, और अगर ना भी करें तो जो तमाम नेता हैं वो अपनी जोर आजमाइश करते हैं, और संख्या के लिहाज से मुझे लगता है ये बैठक एक अच्छी संख्या वाली बैठक होगी, क्योंकि कई नेता जो पार्टी के भीतर अपनी राजनीति करते हैं या पार्टी से अपनी राजनीति करते हैं वो भी अपना प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे, वो भी अपने एक तरीके से दावेदारी ठोकना चाहेंगे अपने अपने समर्थकों को लाकर, ताकि वो अनुप्रिया पटेल पर एक मैसेज दे सके कि देखिए अगर उनको संगठन में जगह मिलती है तो बेहतर तरीके से पार्टी के लिए काम करेंगे। जिस तरीके से रिजल्ट आया, 50% रिजल्ट रहा, खुद अनुप्रिया पटेल अपना चुनाव जीती लेकिन दूसरी उम्मीदवार रॉबर्ट्सगंज की वो चुनाव नहीं जीत पाई, ऐसे में अनुप्रिया पटेल पार्टी को लेकर क्या कहती हैं, जो उन्होंने पिछले दिनों चिट्ठी लिखी और उसके बाद यूपी सरकार से जवाब आया, तो राज्य सरकार से ही जो एक तरीके से तकरार देखने को मिली वो उस समीकरण के लिहाज से, और अपने संगठन में तमाम जो इकाइयां उनको भंग करने के बाद उनका भविष्य क्या होगा, तो मुझे लगता है 2-3 जवाब जब कल अनुप्रिया पटेल अपना भाषण देंगी तो उससे मिलेगा, और कल शाम की चर्चा का शायद वो एक पॉइंट आपके और हमारे लिए हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया उत्कर्ष ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है हमारा ये शो, हमारा ये वीडियो हमारे दर्शकों को पसंद आया होगा। आपके जो भी सवाल हो उनको कमेंट बॉक्स में आप लिख भेजिएगा, कल के शो में चुनिंदा सवालों के जवाब भी देंगे। तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ ताकि यूपी की हर बड़ी खबर आप लोगों तक पहुंचती रहे। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।